हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। एसएस राजामौली की फिल्म बाहुबली 2 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। फिल्म ने कमाई के मामले में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। वहीं जल्द ही वो अपनी नई फिल्म RRR लेकर आने वाले हैं, जिसे लेकर आए दिन कोई ना कोई बड़ी खबर सामने आती रहती है। वहीं अब नीचे एसएस राजामौली के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दरअसल राजामौली की फिल्म को लेकर लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि फिल्म RRR ने रिलीज होने से पहले ही करोड़ों की कमाई की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ओवरसीज थिएट्रिकल राइट्स के जरिए फिल्म ने 70 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली है। कहा जा रहा है कि ओवरसीज थिएट्रिकल राइट्स के मामले में इस फिल्म ने बाकी की बॉलीवुड फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है और एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। बता दें कि इस फिल्म में जूनियर NTR, रामचरण, तेजा, आलिया भट्ट और अजय देवगन इंपॉर्टेंट रोल में नजर आएंगे। फिल्म का बजट भी 300 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस तरह से फिल्म ने रिलीज से पहले ही कमाई कर ली है, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि RRR को लेकर हर जगह बज बना हुआ है। बताया जा रहा है कि फिल्म को और भी शानदार बनाने के लिए राजामौली खूब VFX का इस्तेमाल करने वाले हैं। बता दें कि ये फिल्म अगले साल 30 जुलाई को रिलीज होगी। वैसे आप RRR को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।